आईपीएल में आया रिंकू सिंह का तूफान और आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर रिंकू सिंह ने गुजरात के जबड़े से छीन ली है जीत। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी स्पोर्ट्स। आईपीएल 2023 में बेहद रोमांचक मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटन्स के बीच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय पारी खेलते हुए रिंकू सिंह ने गुजरात को यहां पर घुटने टेका दिए और ये मैच कोलकाता ने 3 विकेट से जीत लिया। आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रन की दरकार थी और फिर रिंकू सिंह का तूफान आता है और मैच जो है वो गुजरात के हाथ से निकल जाता है। नॉन स्ट्राइकर पर उमेश यादव थे, जिन्होंने पहली गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक दी रिंकू सिंह को और उसके बाद उन्होंने लगा दिए लगातार 5 छक्के। और आईपीएल इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई टीम लगातार 5 छक्के लगाकर आखिरी ओवर में मैच जीती हुई। ये कारनामा किया है रिंकू सिंह ने। चारों तरफ उनकी वाहवाही हो रही है। वेंकटेश अय्यर जैसे ही चेज करते हुए 83 रन के स्कोर पर आउट हुए, उसके बाद राशिद खान की हैट्रिक आती है। आंद्रे रसेल, सुनील नरेन और शार्दुल ठाकुर को आउट कर राशिद खान पूरी तरह से छा गए थे इस मैच में और किसी ने ये अंदाजा भी नहीं लगाया था। हालांकि खुद यहाँ पर KKR ने भी ये नहीं सोचा था कि ये मैच यहाँ से टीम जीत सकती है, लेकिन यहाँ पर असंभव को संभव कर दिखाया रिंकू सिंह ने, जिन्होंने आखिरी ओवर में 31 रन जड़ डाले। और जो बॉलर थे वो थे यश दयाल, जिनकी 5 गेंदों पर उन्होंने 5 छक्के लगाए। जैसे कि हमने आपको बताया कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की पारी जो है यहाँ से इस मैच में देखने को मिलेगी, क्योंकि राशिद खान की हैट्रिक आने के बाद उम्मीदें टूट चुकी थी और लग रहा था कि ये मैच अब गुजरात यहाँ से आसानी से जीत जाएगी। लेकिन रिंकू सिंह ने दिखा दिया कि क्रिकेट जो है वो वाकई अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पर अनिश्चितताओं की यहाँ पर जीत होती हुई दिखी इस मैच में। बहुत थ्रिलर रहा इस मैच में, आखिरी जो ओवर था सस्पेंस रहा पूरा और जैसे ही उन्होंने, यानी कि रिंकू सिंह ने छक्कों की बरसात की और इसी के साथ ही उन्होंने इतिहास भी रच दिया। इस मैच को गुजरात को 3 विकेट से गंवाना पड़ा, कोलकाता की जीत हुई। इससे पहले गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 204 रन बनाए थे और 205 रन के टारगेट का पीछा करते हुए वेंकटेश अय्यर ने और नीतीश राणा ने एक समय इस मैच में इस तरह की सिचुएशन पैदा कर दी थी कि कोलकाता जो है इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन उसके बाद वेंकटेश अय्यर आउट हो जाते हैं, नीतीश राणा भी आउट हो जाते हैं और फिर राशिद खान की हैट्रिक। लेकिन इसके बाद ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का मैच जो है, इतना रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। वेल, रिंकू सिंह की इस तूफानी पारी को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगा उनकी पारी को देखकर? इतनी एनर्जेटिक ये पारी थी, हर कोई जो भी रिंकू सिंह को बल्लेबाजी करते हुए देख रहा था वो खुशी से उछल रहा था कि ऐसा मैच जो है वो कभी कभार ही देखने को मिलता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NDTV स्पोर्ट्स।